ओम साई राम सभी के लिए। आप सभी कैसे हो? मैं ठीक हूँ और आप अपना ख्याल रखो। ओम साई राम सभी के लिए। बाबा ने अपने संदेश में आज अपने सभी भक्तों को बताया, मेरे बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूँगा मैं। मेरे बच्चों, तुम मेरी भक्ति करो या ना करो, तुम एक बार मेरा नाम लो या हजार बार मेरा नाम लो, जब जब तुम मेरा नाम लेते हो तब तब मैं तुम्हारे आगे आ जाता हूँ, तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता हूँ। शायद तुम मुझे नहीं देख पाते हो, लेकिन अगर मन की आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही दिखूँगा मैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अपना एहसास भी करा चुका हूँ और तुमको मेरा एहसास हुआ भी है। ये वचन मेरा कोई असत्य नहीं है मेरे बच्चों। न जाने कितने भक्तों को मेरा एहसास हर पल होता है। मैं जानता हूँ उन भक्तों में से एक तुम भी हो मेरे बच्चों। तुमको भी मेरा एहसास एक नहीं कई बार हुआ है। और ये भी सच है मेरे बच्चों, जब जब तुमने मुझे पुकारा है मैं तब तब तुम्हारा सहारा बन के तुम्हारे पास आके खड़ा हो गया हूँ। मैंने हर पल तुम्हारी मदद की है, तुम्हें हर परेशानी से निकाला है मैंने। तुम्हारी डूबी हुई कश्ती को मैंने ही निकाला था मेरे बच्चे। तुम मेरा यकीन करो या ना करो, तुम मुझ पर श्रद्धा करो या ना करो, मैं हमेशा तुम्हारा हूँ, तुम्हारा साथ दूंगा। जब जब पुकारोगे तब तब मैं उसी पल तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊँगा मैं। मेरे बच्चों, मैं कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा। तुम मेरी भक्ति करते हो मैं जानता हूँ, तुम भक्ति करके एक अच्छा कर्म करते हो और मेरी भक्ति के माध्यम से ही तुम एक सही राह पर चलने लगे हो। मेरे बच्चों, क्या तुम जानते हो मेरी भक्ति से पहले तुम्हारा जीवन क्या था? अगर मैं कहूँ तो तुम्हारा भूतकाल क्या था जब मेरी भक्ति तुम नहीं करते थे? एक सच्चाई पर चलने लगे, छल कपट से बचने लगे, ये मेरी भक्ति के कारण ही तो हुआ है ना मेरे बच्चों। और फिर भी तुम कह देते हो साईं से मुझे मिला ही क्या है, इतना कम है क्या मेरे बच्चों? इसके लिए लोग तड़पते हैं, ऐसा सपना देखते हैं मेरे बच्चों कि मैं एक सच्चाई की राह पर चलूं, छल कपट से बचूं, और तुम्हें तो मैंने ऐसे ही दे दिया है मेरे बच्चों। मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चों कि तुम मुझे पुकारोगे मैं आता रहूंगा, तुम सच्चाई की राह पर चलोगे तो तुम्हें पुकारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। क्योंकि सच्चे और अच्छे व्यक्ति के साथ जिसका हृदय साफ और सुंदर होता है वही व्यक्ति मुझे अति प्रिय होता है मेरे बच्चों। ऐसे ही व्यक्ति का मैं दास होता हूँ और उसकी चाकरी हर पल करता रहता हूँ मैं। मेरे बच्चों, कुछ भक्तों का सपना है, वो मेरी शरण में आना चाहते हैं और मेरी भक्ति में लीन होना चाहते हैं। मैं उन भक्तों को बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों, सबसे पहले झूठ छल कपट को त्याग दो, मेरी शरण में आ सकते हो सबसे पहले झूठ छल और कपट को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लूँगा। मेरी शरण में रहकर भी ये सब तुम करोगे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा मेरे बच्चों। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ तुम मेरी शरण में रहो, तुम मेरी शरण में रहो, मेरे नाम का कीर्तन करते रहो और मैं तुम्हें इस दुनिया के छल और कपट से बचाता रहूँ मेरे बच्चों। मैं नहीं चाहता तुम इस दुनिया की मोह माया में फंसकर मुझे भूल जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें एक लाखों में से एक चुना है मेरे बच्चों। मैं जानता हूँ तुम्हारा हृदय कैसा है, तुम्हारा हृदय मुझे अति प्रिय है मेरे बच्चों। कोई कुछ भी कहे तुमको, कहने दो उससे, उसकी बातों से फिक्र नहीं होनी चाहिए तुम्हें कोई भी। मैं जानता हूँ ना तुमको कैसे हो, तुम कितने भाव से मुझे पूछते हो, कितनी श्रद्धा से मुझे पूछते हो, कितना त्याग कर सकते हो तुम मेरे लिए। मेरे बच्चों, मुझसे कुछ नहीं छुपा है तुम्हारा, ना कभी छुपा है और ना कभी छुपा पाओगे मुझसे मेरे बच्चों। तुम ये जो तुम्हारे भाव और विचार है ना मेरे बच्चों, इन्हीं भाव और विचार और श्रद्धा के कारण मैं तुम्हारा गुलाम हो चुका हूँ मेरे बच्चों। और मैं करता भी हूँ तुम्हारी गुलामी, जब जब तुम मुझे पुकारते हो मैं आता हूँ, तुम्हारी मदद करता हूँ और तुम्हें परेशानियों से उभारता हूँ मैं मेरे बच्चों। हाँ, मैं कहूँ तो मेरे बच्चों, अभी तुम्हारे कुछ
परीक्षाओं के दिन चल रहे हैं। अभी तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है मेरे बच्चों, समय बहुत तुम्हें सता रहा है और जहाँ तक तुम्हारा नसीब अभी साथ नहीं दे रहा है। मैं चाहूँ तो मेरे बच्चों एक पल में तुम्हारे समय को और नसीब को बदल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उससे पहले सब कुछ सिखाना चाहता हूँ। अगर तुम सब कुछ सीख जाओगे उससे पहले, क्योंकि मेरे बच्चों समय से पहले और नसीब से ज़्यादा जिसको भी मिला है उसने उसका अपमान ही करा है, कभी उसको उसकी अहमियत का पता नहीं चला है कि इस चीज़ की अहमियत क्या है। तो इसलिए मेरे बच्चों तुम किसी भी बात को लेकर चिंता मत करो, मैं हूँ, जब मुझे उचित लगेगा मैं अवश्य ही तुम्हारी हर मांग को पूरा करूँगा। मैं समय नहीं बताता तुम्हें, लेकिन अवश्य तुम्हारी मांग को पूरा करूँगा। जिन लोगों की नज़रों में आज तुम गिर चुके हो, एक तंगी के कारण, एक आर्थिक परेशानी के कारण, एक बीमारी के कारण, मैं तुम्हें वचन देता हूँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें उस तंगी से निकाल कर उन लोगों की नज़रों में भी उठाऊँगा जो आज तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते, तुमसे बात तक नहीं करना चाहते, उन्हीं की नज़रों में मैं उठाऊँगा तुम्हें। मुझ पर भाव और श्रद्धा बनाए रखना, तुम मैं प्रत्येक कार्य तुम्हारा सिद्ध करता रहूँगा मेरे बच्चों। जहाँ तक है मेरे बच्चों तुम्हें किसी कार्य को लेकर मुझसे बात करने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं पहचान लेता हूँ मेरे भक्त को कब और क्या और कहाँ पे क्या चाहिए। जिसको जैसी ज़रूरत होती है मैं उसी प्रकार से उसकी ज़रूरतों को पूरा करता रहता हूँ। और अब मैं तुम्हें शिरडी बुलाने जा रहा हूँ मेरे बच्चों, अब तुम्हारी हर एक परेशानी दूर करने जा रहा हूँ। मैंने कहा था मेरे बच्चों मैं तुम्हें अभी शिरडी नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ, वो समय आ गया है और तुम्हें आना ही होगा मेरे पास। मैंने तुम्हारा हर एक इंतजाम कर दिया है और धीरे धीरे उस इंतजाम तक तुम खुद पे खुद पहुँच जाओगे। उस इंतजाम पर पहुँचने के बाद तुम मेरा शुक्रिया करोगे मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक भाव से और श्रद्धा से मेरे पास आना। मैं कहूँ तो मेरे बच्चों तुम मुझसे सिर्फ मांगने की इच्छा से ही मिलने ना आना, तुम मेरे दर्शन की इच्छा से भी मुझसे मिलने आना। मैं तुम्हारी मांग तो हर एक बिना दर्शन के ही पूरी कर दूंगा मेरे बच्चों, लेकिन मैं अपने दर्शन तुम्हें बिना मांग के नहीं दूंगा। अगर तुम्हारी इच्छा होगी मेरे दर्शन की, लालसा होगी तुम्हें मेरे दर्शन की, तो मैं तुम्हें अवश्य ही दर्शन दूंगा। जब तुम शिरडी आओगे ना, तो द्वारका माई में बैठकर मेरे बच्चों तुम मुझे याद करना। मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं कहता आपसे कि हाँ ज़्यादा समय लगाना, लेकिन हाँ 5 मिनट मेरे नाम का चिंतन अवश्य करना वहाँ पे। मेरी मैया द्वारका माई की गोद में 5 मिनट जब तुम मेरा चिंतन करोगे, मैं अवश्य ही तुम्हें अपनी झलक दिखाऊँगा, एहसास भी कराऊंगा, लेकिन शर्त एक है मेरे बच्चों की, वो चिंतन भाव से और श्रद्धा से करना। 5 मिनट के लिए ही होना, लेकिन उस चिंतन में लीन हो जाना, सब कुछ भूल कर मुझे याद करना उस पल, मैं अवश्य ही तुम्हें एहसास कराऊंगा अपना, मैं अपने होने का एहसास कराऊंगा तुम्हें और तुम्हारी मांग की पूर्ति का भी एहसास कराऊंगा। जब तुम श्रेणी मेरे दर्शन के लिए आओगे मेरे बच्चों, मैं नहीं कहता मेरे लिए ये लेके आना वो लेके आना, मेरे को ये भोग लगाना वो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे सिर्फ श्रद्धा और भाव के सिवा, मुझे तुमसे भाव श्रद्धा चाहिए मेरे बच्चों। अगर वो तुम मुझे दोगे तो मैं अवश्य ही तुम्हारी हर एक प्रत्येक इच्छा को पूर्ण कर दूंगा। अगर तुम भाव से देखोगे मुझे तो मैं वचन देता हूँ तुम्हें अवश्य ही अपने दर्शन भी दूंगा मैं मेरे बच्चों। मेरा एक भक्त है जो अभी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये भी निश्चय है मेरे बच्चों के मुँह से जल्द ही ठीक भी करने वाला हूँ। मैं आज और कल उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ और अब तक नहीं की है मैंने उसकी मदद, शायद मैं उसकी मदद करता तो वो ठीक हो गया होता, लेकिन अभी मैंने उसकी मदद नहीं करी है। मैं उसकी मदद करने जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा मेरे बच्चों, और मैं उसे बीमारी से निजात भी दिलाऊंगा।
लेकिन कुछ समय और लगेगा अभी। मुझे जिस समय का इंतजार था मेरे बच्चों, उस समय को आने में थोड़ा सा समय भी बाकी है। वो समय जैसे आ जाएगा मैं उसे अवश्य ही ठीक करूँगा। तुम मुझसे हर रोज़ प्रार्थना करते हो अपने भाई बहन बेटे माता पिता सबके लिए, अपने परिवार के लिए कि सब स्वस्थ रहें। हाँ मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बताया भी था कि मेरी उदी का सेवन हर रोज़ करते रहा करो। जो मुझे भोग लगाते हो उस भोग को सारे परिवार के खाने में मिलाकर सबको खिलाया करो। हर रोज़ तुम्हारी बीमारी, हर रोज़ तुम्हारे कष्ट और हर रोज़ तुम्हारे पाप कुछ ना कुछ अवश्य ही कम होंगे। और वो भोजन इतना स्वादिष्ट हो जाएगा मेरे बच्चों, जिसको मैं चखूँगा, कि उस भोजन को खाने वाला प्रत्येक इंसान एक खुश नसीब होगा। मैं कहूँ तो मेरे बच्चों, मेरा भोग हर किसी के नसीब में नहीं होता है। और मेरे बच्चों, तुम तो वास्तविकता में बहुत खुश नसीब हो। तो मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपने दिल में बसाया है तुम्हें, तो मैंने सबको चरणों में, और तुम्हें तो मैंने अपने मन में बिठाया है मेरे बच्चों। मैं वास्तविकता में तुम्हारा गुलाम हो चुका हूँ। ये सिरडी वाला फकीर एक बार जिसको वचन दे देता है, उस वचन को जन्मों जन्म तक निभाता है मेरे बच्चों। इस फकीर के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। ये सबको सत्य की राह दिखाता है और खुद भी सत्य ही हमेशा बोलता है। मैं जानता हूं मेरे बच्चों कि तुम अभी मेरी भक्ति से नादान हो और भटक जाते हो। भक्ति से नादान तो हो तुम, लेकिन कुछ नादान हो और कुछ नादान बनकर रहते हो तुम। मैं तुम्हें अपनी ओर लाना चाहता हूं और तुम मेरे ओर से जाना चाहते हो। मैं नहीं समझ पाता हूं तुम क्यों मेरी ओर से जाना चाहते हो, क्या नहीं मिल पाता है तुम्हें मेरे पास। अरे एक इच्छा पूर्ण नहीं तो हुई तुम्हारी, दो इच्छा पूर्ण नहीं हुई। क्या मैंने तुमसे कह दिया है मेरे बच्चों कि मैं तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं करूंगा? क्या जिंदगी तुम्हारी गुजर चुकी है? अभी जिंदगी तो बहुत बाकी है ना। मैं जानता हूं तुम्हारी अभी जिंदगी कितनी है मेरे बच्चों। ये सच है, तुमको नहीं पता तुम्हारी ही जिंदगी कितनी है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी कितनी है। और मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुखी नहीं रखूंगा मेरे बच्चों। कुछ समय की बात है, मैं अवश्य ही तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। मैं जिंदगी में तुम्हें एक रोजगार अवश्य दूंगा मेरे बच्चों, जिस रोजगार के सहारे तुम अपना जीवन व्यतीत कर सको। मैं जानता हूं मेरे बच्चों, तुम मुझसे चाहते हो कि मैं कभी किसी के सामने, मैं कभी किसी और के सामने कभी हाथ ना फैलाऊं, कभी किसी के सामने ना झुकूं, सिर्फ साईं बाबा तेरे सिवा। मैं जानता हूं मेरे बच्चों, ये सच है, मैं तुम्हें किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा, ना ही किसी के सामने झुकने के लिए मैं तुम्हें मजबूर करूंगा मेरे बच्चों। मैं अवश्य ही तुम्हें उस लायक बनाऊंगा जहां तुम्हें मेरे सिवा किसी की जरूरत ना पड़े, और अगर पड़ भी जाएगी तुम्हें जरूरत, तो ऐसे इंसान से जरूरत पड़वाऊंगा तुम्हें मेरे बच्चों कि वो जरूरत पूरी होने के बाद कभी किसी से कहेगा कुछ नहीं। सिर्फ तुमको और उसको ही पता होगा, और मुझे पता होगा, और किसी को नहीं पता होगा। मैं ऐसे इंसान की को तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़वाऊंगा मेरे बच्चों, जो मदद करे या ना करे लेकिन ढिंडोरा जरूर पीट दे सारे में, ऐसे इंसान से मैं तुम्हें नहीं मिलाऊंगा। और मैं जो तुम्हें इंसानों से, जिन जिन इंसानों से दूर ले जा रहा हूँ मेरे बच्चों, कोई ना कोई तो कारण होगा ना, मैं तभी तुम्हें उन इंसानों से दूर ले जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों कौन अच्छा है तुम्हारे लिए, कौन अच्छा नहीं है। तुम अभी नादान हो, ना ही समझ पाते हो, रिश्तों में घुल चुके हो, और उन रिश्तों के कारण तुम इतना घिर चुके हो, नहीं जानते हो कि ये मेरा भला चाहता है या बुरा, ये मुझे दिल से चाहता है या एक स्वार्थ से, तुम नहीं समझ पाते हो अभी। तुम सच में अनजान हो मेरे बच्चों, लेकिन मैं तो प्रत्येक हृदय में बास करता हूँ ना मेरे बच्चों, मैं तो सब जानता हूँ। कौन क्या सोचता है किसके बारे में, तुम क्या सोचते हो किसके बारे में, कौन अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, कौन अच्छा नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। जो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए मैं उससे मिला दूंगा तुम्हें, क्यों चिंता करते हो।
जो अच्छा नहीं है मैं उसके पास तुम्हें किसी भी हालत में नहीं रहने दूंगा। और मैंने तुम्हें उससे दूर क्या कर दिया? तुमने तो रो रो कर घर ही भर दिया मेरे बच्चों। इतना रोए और मुझे भी रुलाया। तुमने एक बार मेरे से आके बोला, बाबा कारण क्या था, क्यों दूर कराया मुझसे? मेरे बच्चे कुछ तो वजह होगी ना। मैं नहीं चाहता तेरे को एक दुख में देखने। तेरे को कोई भी दुख हो मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता तू भी किसी दुख का सामना करे। मैं नहीं चाहता तुझे कोई स्वार्थ से प्यार करे। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ तुझसे जो प्यार करे वो दिल से करे, हृदय से प्यार करे। आज वो तुझसे स्वार्थ से प्यार कर तो रहा है मेरे बच्चों, लेकिन जब वो जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मेरे बच्चों अपना ख्याल खुद रखा करो, अपने ख्याल के लिए दूसरे को मत छोड़ो। तुम्हें ही रखना पड़ेगा और तुम्हें ही इन जिंदगी की राहों में अकेला चलना पड़ेगा। मत देखो तुम साथ चलने के लिए मेरे साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा, कौन कहाँ तक मेरे साथ चलेगा। मैं अकेला इस जिंदगी की राहों में कैसे चलूंगा? अरे तुम्हारा साईं बाबा है ना, ये चलाएगा तुम्हें, क्यों फिक्र करते हो तुम? अरे मुझसे कहो आके, ये दुनिया से कहोगे कब तक कहोगे? इस दुनिया से, इस दुनिया का स्वार्थ सुन तुमसे होगा तो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, अन्यथा तुमसे मना कर देंगे वो, और वहीं तुम्हारा दिल टूट जाएगा और फिर तुम रोओगे मेरे बच्चों। इसलिए मेरे बच्चों किसी को राहों में लेकर मत चलो, स्वयं चलो और मेरे को लेके चलो। मैं तुम्हें अवश्य ही नैया पार लगाऊंगा, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाऊंगा। और जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे मेरे बच्चों, मैं वहां भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा, मैं वहां भी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। शर्त एक ही है मेरी मेरे बच्चों, मुझे श्रद्धा और भाव तुमसे चाहिए। तुम श्रद्धा और भाव से मेरी भक्ति करते रहो, मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा, हर पल आता रहूँगा। मैं तुम्हें अवश्य ही अपने दर्शन कराऊँगा। मेरे बच्चे जब आज तू उस मुसीबत में फंसा हुआ था, जब उससे लड़ रहा था, तो लड़ाई कर रहा था मेरे बच्चे, तूने मुझे याद किया था, मैं आया था तेरे पास, मैं खुद पे खुद आया था तेरे पास, तेरी मदद भी की थी मैंने, तुझे बोलने की शक्ति भी दी थी और शांत रहने की भी शक्ति दी थी मैंने तुझे। और तूने एक बार ही आके, एक बार में ही मुझसे आकर बोल दिया, बाबा क्यों होता है मेरे साथ, क्या मैंने तेरी मदद नहीं की थी? तूने कितने आसान लफ्जों में मुझसे आकर बोल दिया था, बाबा मुझे आज तेरी जरूरत पड़ी थी, तू नहीं आया। तेरी आंखों को मैं दिखाई नहीं दिया, तूने आंखों का कसूर तो समझा नहीं मेरे बच्चों, और तूने मुझे मन की आंखों से कभी देखा नहीं। अगर शायद आज तू मुझे मन की आंखों से देखता, मैं तुझे अवश्य ही दिखता। मैं वास्तविकता में तेरी मदद कर रहा था मैं, और तेरे बुलाने से पहले आ गया था मैं मेरे बच्चे। मैं हर पल तेरे बुलाने से पहले आ जाता हूँ, मैं सिर्फ इंतजार करता हूँ तू एक बार बोल, तेरे बोलने तक का इंतजार करता हूँ, और तेरे बोलने से पहले उस काम को तमाम भी कर देता हूँ मेरे बच्चे। मैं उस कार्य को ख़त्म कर देता हूँ तेरे बोलने से पहले, लेकिन तू बोलने में बहुत देरी कर देता है मेरे बच्चे। और हाँ मेरे बच्चे, अभी तुम कर्ज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, चिंतित हो, अभी रातों को सो नहीं पा रहे हो ना, यही सोचते सोचते उसका कर्ज कैसे पटेगा, कैसे पटेगा। मेरे बच्चे, मैंने कर्ज के लिए तुझे प्रेरित किया था कि हाँ तू उससे कर्ज ले, तो चुकाऊंगा भी मैं ही ना। क्या तेरी चिंता करने से तू कर्ज से मुक्त हो जाएगा? तू हर पल चिंता करेगा, चिंता करते करते क्या हो जाएगा तू कर्ज से मुक्त? नहीं ना, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तू कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूं मेरे बच्चे कि तू अब चिंता ना कर, मैं हूं तेरे साथ, तेरा कर्ज अवश्य ही चुका दूंगा मैं, तुझे पता तक नहीं चलेगा, और तेरा कर्ज सारा चुका दूंगा मैं, बस तू मुझ पर श्रद्धा और भाव और विश्वास बनाए रख।
तू मेरे नाम का थोड़ा सा गुणगान तू करके देख, हर गली में तेरे नाम का गुणगान ना कर दूं तो कहना तू। तू मेरी ओर एक कदम बढ़ा कर देख, तेरी ओर 10 कदम ना बढ़ा दूं तो कहना मेरे बच्चे। तू एक बार मुझे पुकार कर तो देख, तेरे पुकारने से पहले ना जाऊं तो कहना। तू खुद देरी करता है और आकर मुझसे ही लड़ता है, तू खुद दोषी होकर मुझे दोषी ठहरा देता है मेरे बच्चे। मैं जानता हूं अभी तू भटक जाता है, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा भी क्या भटकना, मुझे ही हर बार इल्जाम दे देते हो ना तुम। मैं अवश्य ही तुम्हें आजाद करूंगा मेरे बच्चों, और वो समय अब निकट आ चुका है जब मैं तुम्हें आजाद करने जाऊंगा। मैं अवश्य तुम्हारे आज रात सपने में आऊंगा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, मैं तुम्हें अपनी भक्ति की ओर प्रेरित भी करूंगा और कुछ राह भी दिखाऊंगा मैं तुम्हें सपने में आज। और हाँ मेरे बच्चों, अभी तुम अपनी जमीन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो ना, मैं जल्दी ही तुम्हें इस कार्य में सफलता दिलाऊंगा मैं मेरे बच्चों। जो जमीन तुम्हारी है वो तुम्हारी ही रहेगी, जिस जमीन को तुम खरीदना चाहते हो तुम अवश्य ही खरीदोगे, लेकिन इतना याद रखना मेरे बच्चों, उस जमीन को खरीदने से पहले मुझे याद जरूर करना। कुछ उस जमीन में अभी दुविधाएं, कुछ संकट हैं जिनको मुझे दूर करना अवश्य होगा मेरे बच्चों, नहीं तो वो जमीन, वो घर तुम्हारे लिए फलदायी नहीं होगा। मुझे याद जरूर करना, मेरे नाम का प्रसाद थोड़ा सा चढ़ाना और मुझे भोग लगाना, मेरी कुछ शक्तियों को भोग लगाओ तो मैं अवश्य ही तुम्हारे पास उन शक्तियों को भेज दूंगा जो तुम्हारी मदद करेंगे, और फिर मुझे आकर बताना कि तुम संतुष्ट हुए हो या नहीं। इस जमीन को मेरे बच्चों तुम अपने ही नाम कराना, मैंने समझाया था तुम्हें, किसी पर विश्वास मत करना, यहाँ कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। और ये तुम भली बात ही जानते हो मेरे बच्चों कि मुसीबत में तुम्हारा साथ किसने दिया था किसने नहीं दिया था, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो। ओम साई राम सभी के लिए। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे प्यारे दोस्तों साईं बाबा की अनमोल बातों को सभी भक्तों के करीब तक पहुँचाते हैं। अगर आप भी सुनना चाहते हो हर रोज़ की साईं बाबा की बातें तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री साईनाथ।